नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की फसल लगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। नींबू के बाग में कीट और रोग नियंत्रण उपाय। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है और यदि किसान भाई इसके उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो अरहर की उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विशेषज्ञ अनुराग पटेल से। अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो खरीफ सीजन में दलहन में मुख्य रूप से अरहर की खेती के लिए आपकी तैयारी चल रही होगी। अरहर के खेत लगभग तैयार हो रहे होंगे। इसमें सबसे पहली बात है कौन सी किस्में आपको चयन करना चाहिए। ये किस्में निर्भर करती हैं आपका खेत कैसा है। अगर हल्की भूमि है जहाँ मॉइस्चर नमी जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर आपको अगेती किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे उपास 120, ICPL 87, TJT 501 एक बहुत अच्छी किस्म है। इसमें उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा है। आशा है जिसको ICPL 119 कहते हैं। लंबी अवधि की किस्में जैसे मालवी 3 है, ग्वालियर 3 है, मध्य प्रदेश के लिए किस्में बहुत ही अच्छी हैं। इन किस्मों का चयन करना चाहिए। अरहर के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अरहर की खेती के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका पीएच मान 7.0 से 8.5 का हो उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। इसके बाद अरहर की खेती में हम पोषक प्रबंधन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हर क्षेत्र की भूमियाँ अलग अलग हैं, तो पोषक तत्व को प्रबंधन करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि 5 से 10 ट्राली जो है गोबर की सड़ी अच्छी पकी हुई खाद जो है या कंपोस्ट की खाद डालना चाहिए। ये अंतिम जुताई जब आप कर रहे हैं 10-15 दिन पहले खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सामान्य तौर पर बात करें, आपने जांच नहीं कराई है, तो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, नत्रजन जिसे कहते हैं, 40 से 50 किलोग्राम जो है ये फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए और 30 किलोग्राम से आसपास जो है 30 से 35 किलोग्राम जो है पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। ये डोज जो हम बता रहे हैं ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों की प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए अरहर बुआई के वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। बोने का समय, तो अरहर की बुआई मुख्य रूप से वर्षा जब प्रारंभ हो जाए तो अरहर की बुआई करनी चाहिए। वैसे अरहर की बुआई आइडियल समय जो है, उपयुक्त समय जो है, सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वो 15 जून से 15 जुलाई तक। अगर पानी की उपलब्धता है तो हम 15 अगस्त तक भी बुआई इसकी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बीज दर की। जो अगेती किस्में हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बीज लगता है, 20 से 25 किलोग्राम बीज डालना पड़ता है।
जो पछेती किस्में हैं क्योंकि वो ज़्यादा फैलती हैं तो उसमें बीज दर कम लगता है, 15 से 20 किलोग्राम बीज दर लगता है। किसान भाइयों, अब बात आती है बीजोपचार की। तो बीजोपचार इसलिए भी ज़रूरी है कि बीजों के साथ कीटाणु के अंडे, रोगाणु के अंडे, ये सब चले जाते हैं। तो बीज उपचार कर देने से बीज के साथ दवाई जाती है या बीज के साथ टीका जाता है अर्थात। तो किसान भाइयों को चाहिए कि थीरम 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दोनों को 3 ग्राम मात्रा लेके प्रति किलोग्राम के दर से बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने का एक क्रम है किसान भाइयों, वो क्रम यह है, पहले फंजीसाइड से अर्थात फफूदनाशी दवा से जैसे हमने कार्बेंडाजिम बताया है, उसके बाद कीटनाशक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड से करना चाहिए, उसके बाद कल्चर से करना चाहिए, कल्चर अंतिम में करना चाहिए। इस क्रम में अगर आप बीजोपचार करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगी और बहुत अच्छी फसल होगी। बोने की विधि की बात करें तो खेत में पर्याप्त संख्या में पौधे हों इस बात को ध्यान में रखते हुए के लिए लाइन से लाइन की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि वो देर तक फैलती हैं, ज़्यादा फैलती हैं, देर तक पकती हैं तो उनके लिए ज़्यादा जगह होनी चाहिए। और पौंद से पौंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और जो बीज की गहराई है वो 5 सेंटीमीटर लगभग गहराई पर बीज को बोना चाहिए। किसान भाई, ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को ये चाहिए कि रेज्ड बेड या ब्रॉड बेड में बुआई करें तो ज़्यादा अच्छी फसल आएगी आपकी, उसे सिंचाई की भी, निदाई की भी और अन्य तमाम जो है सुविधाएं आपके लिए हो जाएंगी। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई खेती किसानी की अरहर की प्रबंधन की विधियों को, इसमें लो कास्ट टेक्नोलॉजी है, इनका अगर आप ध्यान देते हैं, इनका आप उपयोग करते हैं तो निसंदेह आपको अरहर में अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।